नमस्कार, मैं हूं दीपाली और अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। गोबचर पर्वत पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर देहात हस्तनापुर में आपका मुखिया आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। मापोरसा क्षेत्र के चंबल के किनारे बसे गाँव में 23 साल के बाद चंबल ने विकराल रूप धारण किया और अपनी मर्जी से मंदिर में प्रेमी के साथ शादी करने वाली नव युवती को अपने ही घर वालों ने जान से मारने की धमकी दी। अब समाचार विस्तार से। अपनी मर्जी से मंदिर में प्रेमी के साथ शादी करने वाले नवयुवती को अपने ही घर वालों से जान का खतरा है। नवयुवती ने जनसुनवाई में एसपी को आवेदन देकर अपनी और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपनी मर्जी से मंदिर में प्रेमी के साथ शादी करने वाली नवयुवती को अपने ही घर वालों से जान का खतरा है। नवयुवती ने जनसुनवाई में एसपी को आवेदन देकर अपनी और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल मोहना के मंटो कॉलोनी में रहने वाली मंजू बाथम ने 2 दिन पहले यानी 15 सितंबर को ही पड़ोसी मोनू बाथम से मंदिर में शादी की है और वह मोनू के घर जाना चाहती है, लेकिन घर के लोग उसे वापस लाना चाहते हैं और वह शादी को मानने को तैयार नहीं है। नवयुवती का कहना है कि उसे और उसके पति को पिता, माँ और भाई से खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। पुलिस ने बालिक जोड़े की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मोना थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे नव दंपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। युवती मंजू वाथम ने पिता बल्ली वाथम, माँ शारदा वाथम और भाई विकास पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मेरे घर वाले नहीं कर रहे, मैंने अपनी मर्जी से की है और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मैं खुद आई शादी करने के लिए और मैं लड़के के घर जाना चाह रही हूँ तो जान से मारने की धमकी है। कौन दे रहा है जान से मारने? पापा, हमारे पापा घर वाले दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? तो बोल रहे हैं कि लड़के के घर पे नहीं, इससे मतलब इसके राजी नहीं है। हाँ। आपने शादी कब की थी? मैंने अपनी मर्जी से की है शादी, इसलिए की है। कब कब की थी? 15 तारीख को। 15 तारीख। हाँ। आज आप एसपी साहब के पास में आई थी, क्या आश्वासन दिया इसका? उन्होंने बोल दिया कि आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। मोना खान, अगर कुछ आता है कुछ दिक्कत होती है तो किस जिम्मेदारी को? नहीं नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया। एसपी साहब ने बोला है? हाँ। आपके साथ? मैं वो आई लड़के के घर पे रहना चाहती हूँ। सुरक्षा की मांग नहीं करी आपने? क्या सुरक्षा की मांग की नहीं आपने? हाँ। क्या नाम है लड़के का, क्या सुरक्षा की मांग की है आपने? मोनू। थाना मोहना अंतर्गत रहने वाले एक नवविवाहित दंपत्ति आए थे जिन्होंने प्रेम विवाह किया है और अपने लड़की ने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाए कि वो उनको धमकी दे रहे हैं कि यदि वो अपने पति के घर गई तो उसको धमकी दी है। तो इसके लिए थाना प्रभारी को बताया कि उनके साथ कोई गलत वो ना हो, निर्देशित किया गया। पत्रकार कल्याण परिषद बीना ने सागर के साधना न्यूज के पत्रकार से मोतीनगर और सिविल लाइन थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में एसपी को ज्ञापन सौंपा। साधना न्यूज के पत्रकार के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है और जो महिला थाना प्रभारी के द्वारा जिस तरह से बर्ताव किया गया, इस पर आपका क्या कहना है और इस पर आप ज्ञापन किस तरह से दिया है आपने? देखिए, हम आपको बता दें कि आज पत्रकार कल्याण परिषद जो की एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, इस संगठन की ओर से पूरे सागर जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ज्ञापन का विषय मूल रूप से ये है कि जो साधना न्यूज के हमारे पत्रकार साथी हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने किसी भी महिला टीआई के खिलाफ कोई भी खबर नहीं प्रकाशित की, ना अपने चैनल में लगाई, केवल किसी व्यक्ति ने एक सोशल मीडिया पर कोई संदेश वायरल किया था, उस संदेश में भी उन महिला अधिकारियों के नाम नहीं थे, उस संदेश को इन्होंने शेयर कर दिया, जिस पर ये दोनों महिलाएं इतना ज्यादा बौखला गई महिला अधिकारी कि उन्होंने सरेराह बीच सड़क पर रोककर हमारे पत्रकार साथी की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती की, अपने पुलिस कर्मचारियों से उसका वीडियो बनवाया बेइज्जती करने का और उसे वायरल किया। इन सब चीजों को देखते हुए पत्रकार कल्याण परिषद और पूरे प्रदेश के पत्रकार काफी आहत हैं। पूरे प्रदेश में यह वीडियो वायरल हो रहा है और हम लोग चाहते हैं जब हमारे पत्रकार साथी की कोई गलती नहीं थी, बिना गलती के उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाना पूरे पत्रकार समाज के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के समान है। हमने माननीय एसपी महोदय के लिए अभी ज्ञापन दिया है, 7 दिन के अंदर अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांति त्रिपाठी और प्रदेश अध्यक्ष भारद्वाज जी की सहमति से पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा और साथ ही गृह मंत्री बाला बच्चन जी से भी हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने भी हमें मिलने का समय दिया है, हम लोग जाकर उनसे भी मिलेंगे और इस मामले की पूरी जांच के बाद हम चाहेंगे कि उक्त अधिकारियों के लिए निलंबित किया जाए और साथ ही अन्य पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों को भी यह हिदायत दी जाए कि पत्रकारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है।
जो आपने ज्ञापन दिया है श्रीमान कुशरीमान के नाम पर, वो ज्ञापन में श्रीमान कुशरीमान सागर को योग भेज दूंगा। ग्वालियर के बड़ा थाना प्रभारी की हिटलर शाही के खिलाफ और अधिवक्ता विश्वजीत रतनौनिया के थाना प्रभारी के द्वारा फुलवक चौराहे पर की गई अभद्रता और गाली देने के खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर को लगभग 200 वकीलों के साथ ज्ञापन शिकायत पत्र दिया गया, जिसमें मांग की गई कि थाना प्रभारी की हिटलर शाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए और आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया जाए। मांग की गई कि थाना प्रभारी की हिटलर शाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए और आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अगर 2 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती तो थाना प्रभारी की हिटलर शाही के खिलाफ और उन पर कार्रवाई किए जाने के लिए भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। घटना यह है कि 15 सितंबर की रात को लगभग 10 बजे अधिवक्ता विश्वजीत रतौनिया एडवोकेट कबीर आसम थाटीपुर से अपने साथी अधिवक्ता से मिलकर आ रहे थे। इसी दौरान फुलवक चौराहे पर अपने क्लाइंट नितिन मावर से मिलने रोके, साथ में उनके कृष्णा कुशवाहा भी मौजूद थे। इसी दौरान पड़ा थाने के थाना प्रभारी द्वारा पुलिस थाने के द्वारा अवरता की गई, जिसके बाद इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत रतौनिया एडवोकेट है। क्या मामला था आपके, आपने क्या आज आपने आपको ज्ञापन दिया है किस चीज़ के लिए? एसपी साहब को हमने अवगत कराया है कि पड़ाव थाना पिरवारी कल रात को फूलबाग चौराहे पर आते हैं और अपनी गुंडागर्दी करते हैं, हिटलर शाही करते हैं। मैं अपने क्लाइंट के साथ रात को लगभग 10 बजे यहाँ खड़ा था और वो आए 4-5 पुलिस वालों को बेचकर, पहले तो उनको बेचकर यहाँ से गाली उन पुलिस वालों ने दी, फिर बोलते हैं जा यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ पे, अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया। फिर मैंने उनको बताया कि मैं अपने क्लाइंट से मिलने आया हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, 5 मिनट में चर्चा करके जा रहा हूँ मैं। इतने में टीआई साहब अपनी पर्सनल गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अभद्रतापूर्वक गालियाँ देते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरी वकालत एक तरफ रख दूंगा, घुसेड़ दूंगा उसको। तो आज उन टीआई साहब के हिटलर शाही के विरुद्ध, उनके दुर्भाग्यपूर्ण रवैये के विरुद्ध हमने एसपी साहब ग्वालियर को अवगत कराया है और हमने ये मांग की है कि 2 दिवस के अंदर एसपी साहब का निलंबन किया जाए और टीआई साहब का, माफ़ी चाहता हूँ, टीआई साहब का निलंबन किया जाए और आपराधिक मामला उनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम 30 दिन सभी वकील, हमारे साथी अधिवक्ता साथी और मैं, उनके निलंबन के लिए, उनके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम भूख हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। अम्बा कोरसा क्षेत्र के चंबल के किनारे बसे गांव में 30 साल के बाद चंबल ने विकराल रूप धारण किया है, क्योंकि चंबल में कोटा बैराज से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से चंबल किनारे गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अम्बा कोरसा क्षेत्र के चंबल के किनारे बसे गांव में 23 साल बाद चंबल ने विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि चंबल में कोटा बैराज से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल के किनारे के बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। इन हालातों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने मुरैना जिले में एक हेलीकॉप्टर भी भेजा है। उस हेलीकॉप्टर से जिला प्रशासन और मुरैना के जनप्रतिनिधियों ने हवाई सर्वे भी किया है। वहीं अम्बा कोरसा के चंबल किनारे के चुसलई, रामगढ़, इंद्रजीत का पुरा, सुखदाम का पुरा, किसरौली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार के कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और मुरैना सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास और मुरैना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव सहित एसडीआरएफ पुलिस सेना के साथ ग्रामीणों का बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर ने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े लोगों से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजकर जिला प्रशासन उनकी राशन पानी की समुचित व्यवस्था कराए। वहीं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी उसके अनुसार चंबल के 3 जिलों को समुचित मात्रा में केंद्र सरकार से मुआवजा दिलाया जाएगा। उनका पूरा रामगढ़ और चसलई, ये 4 गांव तो बिल्कुल जलमग्न है, चारों तरफ से चंबल ने घेर चुका और बिचपरी, 5वां गांव बिचपरी है वो भी, और नयावास में पूरे आधे गांव में आ चुकी है, फसल में पूरी में पानी भरा हुआ है। कितने लोग होंगे इन चारों पांचों गांव में? चारों पांचों गांव में मिला करके तकरीबन 500 या 600 के बीच में, 600 आदमी लगभग। हाँ, 3 पुरा पे उधर लगभग लगभग, और इधर बिचपरी और चसलई में कुछ लोग तो अभी बाहर निकला आए हैं ऑटो में।
मिनट कल से ही, और लेकिन अभी फंसे हुए हैं कम से कम 100-150 आदमी अभी फंसे हैं बिचपरी और तुसलई में। प्रशासन की टीम गई है क्या? प्रशासन की टीम अभी आज जाने को तैयार है, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं गया है वहाँ तक। स्थानीय विधायक भी आए थे कल और वहाँ तक गए नहीं है, जहाँ तक उनकी गाड़ी पहुँची है स्थानीय विधायक की वहाँ तक गए थे, लेकिन गाँव का जायजा नहीं लिया नीचे। कोटा बैराज से अधिक तादाद में पानी छोड़ा गया, इसके कारण श्योपुर, मुरैना, भिंड ये लगभग तीनों जिले में जो चंबल का किनारा है वो गांव डूब में आ गए हैं और काफ़ी तकलीफ लोगों को हुई है। कई जगह लोग गिर गए थे, तो जिला प्रशासन, SDRF, NDRF की सारी टीम्स आ गई हैं और कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बाकी सारी सरकारी अमला, जिला पंचायत से लेके और बाकी सरपंच तक सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको बोट से निकालने का काम भी जारी है, और मैं समझता हूं कि इस समय तक किसी भी प्रकार की कोई जनहानि का समाचार नहीं है। संपत्ति का, मकानों का नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, तो उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि मानव की जान किसी भी प्रकार से बचाई जाए, और अभी ये सुखद समाचार है, किसी भी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, और मुझे लगता है भविष्य में इसकी कोई संभावना अभी नहीं दिख। फसल नुकसान है निश्चित रूप से, तो राज्य सरकार उस मामले में त्वरित कार्रवाई करे, यह मेरा आग्रह है मेरा मुख्यमंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर देहात हस्तनापुर में आपका मुखिया आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने मन से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाने में जनता की महती भूमिका बताते हुए कहा कि आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य है। इससे पहले सिंधिया ने कमरे में उपस्थित जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर देहात हस्तनापुर में आपका मुखिया आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में जनता की महती भूमिका बताते हुए कहा कि आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य है। इससे पहले सिंधिया ने कमरे में उपस्थित जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएँ सुनी। इस दौरान लोग समस्याएँ कम बता रहे थे जबकि सेल्फी ज़्यादा खिंचवा रहे थे। लोगों से मुलाकात के दौरान सपा के एक सरपंच कल्याण कंसाना ग्राम सौसा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा, प्रदेश सरकार सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है, जिसका फायदा सभी वर्गों को मिलेगा। आपका और मेरा एक हृदय का संबंध है,
वही मुझे ऊर्जा देता है और आपकी आवाज देश के कोने कोने तक सुनाने की क्षमता अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में है तो वो क्षमता आपने ही खुला। बचल पर्वत पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया जहां दानोली स्थित जयसवाल जैन मंदिर से रथ यात्रा में लाए गए श्री जी का अभिषेक किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लश्करी के पुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पवन ऑयल प्राइवेट लिमिटेड पर नकली सरसों का तेल ब्रांडेड ऑयल बनाने के नमूने को जांच पड़ताल की। वहां पर जांच के दौरान सरसों के तेल की खुशबू का एंसेंस मिलाकर सरसों का तेल विभिन्न ब्रांडों को जैसे आशीर्वाद वीर चेतक के हॉल मार्क लगाकर फैक्ट्री में से सप्लाई किए जाते थे। मुरैना की सिविलाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लश्करी के पुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पवन ऑयल प्राइवेट लिमिटेड पर नकली सरसों का तेल ब्रांडेड ऑयल बनाने के नमूनों की जांच पड़ताल की। वहां पर जांच के दौरान सरसों के तेल की खुशबू का एसेंस मिलाकर सरसों का तेल विभिन्न ब्रांडों का जैसे आशीर्वाद वीर चेतक के हॉलमार्क लगाकर फैक्ट्री से सप्लाई किया जा रहा था। सरसों के नाम पर पवन ऑयल इंडस्ट्रीज के द्वारा लोगों को जहर बेचा जा रहा था। मिलावटी खाद्य पदार्थों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। पवन ऑयल से एसेंस की बोतल के 750 कार्टून 60 टन सरसों का तेल और ब्रांडेड तेल जब्त किया गया है। वहीं नापतौल विभाग ने भी कार्रवाई की है। 15 किलोग्राम टीनों पर कम मात्रा में तेल सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 45 लाख रुपए का माल जब्त किया है और फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई भी की है। आज हमारे मुरैना के अवैध अधिकारी श्री उमेश शुक्ला जी के नेतृत्व में पूर्व वर्ती टीम कॉर्नर वाइज पर कार्रवाई के लिए गई थी तो वहाँ पर पाया कि वो ब्लेंडेड ऑयल सरसों का तेल आदि बनाते हैं। उनकी चेतक ब्रांड है, आशीर्वाद है, वर्धमान ब्रांड है, उनके नामों से कटिंग की जा रही थी। जब ऑयल मिल का निरीक्षण किया गया तो ऑयल मिल में 10 बोतल एसेंस की जिनमें एलमोनियम की बोतल उन्होंने एसेंस भरा हुआ मिला, जिसमें 60 बोतल खाली थी और 3 में 1 किलो की मात्रा में एसेंस भरा हुआ मिला। और साथ साथ जब जो टंकियाँ बनी थी पैकिंग सेक्शन में उन टंकियों पर चढ़कर जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ भी एसेंस की बोतलों के खाली ढक्कन मिले। तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट हुआ है कि वो ब्लेंडेड ऑयल जो बना रहे हैं उसमें वो एसेंस का उपयोग कर रहे हैं। तो इस कारण वीर चेतक ब्रांड, आशीर्वाद ब्रांड और सरसों के तेल के ऐसे 5 सैंपल लिए गए हैं और एसेंस का भी सैंपल लिया गया है। और एसेंस मिलने के कारण डेली में करीब करीब 7 टन जो तेल रखा हुआ था ब्लेंडेड ऑयल और सरसों का तेल उसको सील कर दिया गया है और इसकी कीमत करीब करीब 45 लाख रुपये रखती है जी। इसके साथ साथ डॉक्टर विभाग ने भी शॉर्ट वेट के कारण वहाँ पर डॉक्टर वालों ने अलग से प्रकरण बनाया है। मुरैना जिले के चंबल के किनारे बसे गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए शासन प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इसी को लेकर आज जौरा विधायक बनवारी लाल शर्मा, जापथाप एवं सवलगढ़ विधायक वेजनाथ कुशवा ने शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ एवं कमिश्नर अनिल तिवारी व प्रियंका दास कलेक्टर के साथ हेलीकॉप्टर द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं बाढ़ में फंसे लोगों सुरक्षित रेस्क्यू विभाग द्वारा निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
मुरैना जिले के चंबल के किनारे बसे गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए शासन प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इसी को लेकर जौरा विधायक बनवारी लाल शर्मा, जापताप और सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कसवा ने शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ कमिश्नर रेणु तिवारी व मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास के साथ हेलीकॉप्टर द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू विभाग द्वारा निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कलेक्टर प्रियंका दास चंबल नदी के किनारे बसे गाँव को खाली करवाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया एवं लोगों को सूचित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं जाएं। कोई भी आपदा से पहले हमें सूचित करें, हम हर दम आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं जौरा सबलगढ़ के विधायक दिन रात बाढ़ प्रभावितों के बीच संपर्क बनाए हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। जौरा विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गाँव बैदपुरा, आमलीपुरा, जुगनूपुरा, होरा बरे, मोलेपुरा, बीजापुरा, छऊआरा, भीलगाड़ा हैं और सबलगढ़ विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गांव जैतपुरा, बर्रा, कज्जौनी, कलगटी, नरेडाड़े आदि है। हम अम्बा, ओरसा और चंबल किनारे के सारे गांव और मुरैना के प्रभावित क्षेत्र को देखेंगे। सेकंड राउंड में हम डिटेल में सुमावली, मुरैना, जौरा और जो है सबलगढ़ के एरिया का दौरा करेंगे। इससे हमें क्लियरली पता चल पाएगा कि कितना अफेक्टेड एरिया है, उस हिसाब से हम अपने स्ट्रैटेजी को प्लान कर पाएंगे और अन्य डिसीजन जो लेने हैं वो हम ले पाएंगे। अभी कितने गाँव घूमे हैं, क्या स्थिति है, कल रेस्क्यू किया गया था? हाँ, 22 गाँव में रेस्क्यू ऑपरेशन कल चलाया गया है और 110 गाँव में हाई अलर्ट चल रहा है क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कोटा बराज से छोड़ा गया है और अब तक के इतिहास में इतना सारा पानी पहली बार ही छोड़ा गया है और स्थिति से हम लोग निपट रहे हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी की टीम्स हैं जो सतत संपर्क में हैं और लोगों को हम सुरक्षित निकाल भी रहे हैं और सुरक्षित एरिया तक। रेस्क्यू दल बढ़ाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, रेस्क्यू दल बढ़ाए गए हैं, एडिशनल री एनफोर्समेंट्स बुलाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम आज आ रही है जो संभवतः 1 बजे तक हमारे पास पहुंच जाएंगी। एसडीआरएफ के संसाधन को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, अतिरिक्त बोट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे गांव में जलस्तर का पता है? कुछ ऐसे गांव जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है हमारे यहाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि राजस्थान में अब ये स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है। 144.40 मीटर था सुबह 6 बजे से और लगातार अभी 9 बजे तक उसी मीटर। कुछ गांव ऐसे हैं जहां प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है? ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे प्रशासन नहीं पहुंचा है। पानी से कट जरूर गए हैं, हम सतत संपर्क में हैं, पानी दवाइयां वगैरह हम पहुंचा रहे हैं और जो गांव कट गए हैं वो ऊंचाई में है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पे जो है लोग डूब गए हैं और हम नहीं पहुँच पाए। कुछ ऐसे गांव भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ से लोग नहीं निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं, वो अभी मैंने पुनः बताया कि वो सुरक्षित एरिया पे है, जरूरत पड़ेगा तो उनको निकालेंगे। अनावश्यक पैनिक फैला के भी कोई उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया है सुबह 6 बजे से पानी स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है जो मुरैना के लिए अच्छी बात है। अगर आप अपने मकान में कोई नया किराएदार रखने की सोच रहे हैं तो एक बार इस खबर को जरूर देख लें। ग्वालियर में एक महिला अपने बच्चों के साथ मकान का कमरा किराए पर लेती है और कुछ दिनों बाद वहां हंगामा करने लगती है। वहीं झूठा केस में फंसाने के मकान मालिक को धमकी देने लगती है जिसके बाद यह महिला मकान मालिक से पैसे लेकर समझौता कर लेती है। ऐसी शिकायत कुछ पीड़ित लोगों ने एसपी से की। नाम रामेश्वर सिंह सिकरवार है। रामेश्वर जी, किस महिला से परेशान है, कितनी बार लोगों को पसंद कर रहे हैं? मिथिलेश नाम की औरत हैगी और पति सोनू है। सोनू ने कहा थे मतलब इनसे किराए के बारे में कहा पत्नी से कि मतलब आप इनको किराया दे दो, 1 महीना हो चुका है। दोनों आपस में कहते बात हो रही थी, उसी पीरियड में थोड़ा थोड़ा सा विवाद सा होने लगा। बोले मैं नहीं दूंगी, तू दे कहा थे। दोनों आपस में लड़ गए। उसके बाद कहते थोड़ा सा एक धक्का कहते पति के थोड़ा लग गया इसके ही, तो उसके बाद कहते उसने उठा के ना एक पत्थर नीचे से इसके यहाँ मुंह में मार दिया। ये घटना रोड की है? रोड पे ही, मैं उस पीरियड में वहीं खड़ा था। तो उसके बाद कहते इनसे कहते कहा बोले कि आप मुझे जानती नहीं हो, मैं कहते कितनों के साथ ऐसा कर चुकी हूँ। उसके बाद ये गई सीधे थाने पे इनकी रिपोर्ट लिखाया इन्हें। उसके बाद ये भी मैंने भेजी मगर कहते इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है थाने पे। बस कहते पुलिस ने हमको जानकारी दी कि आप अपनी जमानत करा लो और कोई कहा थे। कितने लोगों के साथ कर चुके हैं? 3 लोगों के साथ। क्या कर चुके? एक तो गब्बर के आते वो थाने पे सारी आप उसके आप बताओ ना, पे गब्बर की जानकारी मुझे मिली हैगी। ये शिकायत 4-5 दिन पहले थाना हजीरा में आई थी कि एक मिथिलेश लोधी नाम की महिला जो अपने बच्चों को लेके मकान मालिक के पास जाती है और 1-2 महीने उनके यहाँ रहती है और उसके बाद उस मकान पे कब्जा करने की
कोशिश करती है और खाली कराने के एवज में पैसा भी लेती है। ये रिपोर्ट एक पक्ष से हुई है और दूसरे पक्ष से मिथिलेश लोधी ने मकान मालिक के ऊपर मारपीट करने और घर का सामान बाहर फेंकने के आरोप लगाए। इस संबंध में महिला बाल विकास के अधिकारी उनको भी सूचित किया गया है, मिस्टर सालीन सिंह, वो भी इस मामले को देख रहे हैं और यदि उस लेवल पे वो नहीं सुलझता, हमारी परिवार परामर्श और ऊर्जा डेस्क की टीम भी उसे देख रही है, इस स्तर पे यदि नहीं सुलझता है तो फिर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जी, मैंने जैसा बताया पूर्व में भी दो मकान मालिकों की कंप्लेंट आई है कि उनके यहाँ भी उसने इसी तरीके से जबरन घुस करके और फिर उनसे कुछ पैसा लेकर के मकान खाली किया। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।